बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहा है जी, जबरदस्ती सोया मेथी और आलू की सब्जी बन रही है। और इसके लिए तकरीबन 1 किलो मैंने मेथी ले ली थी और ये आप देख सकते हैं 1 गड्डी सोया भी ली थी। खुशबू अच्छी आती है इससे, तो इसको हमने क्या किया, इसके लीव्स को सेपरेट किया और पत्तों को अलग करके उसके बाद फिर हमने कटिंग वटिंग कर ली और उसको अच्छा सा धो लिया। इसके अलावा 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, आप बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं और मैंने मीडियम साइज़ के काटे। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसकी प्योरी बना ली। 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्च लिए, लेकिन मेरे पास तीखी वाली नहीं थी, पतली वाली नहीं थी, तो मैंने ज़रा सा मोटी हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 3-4 अदद हैं। इसके अलावा स्पाइसेस बेसिक से लाल मिर्च 1/2 टीस्पून लिए, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून लिए। धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका आप लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च ली है फॉर द कलर, ज़ीरा 1 टीस्पून है और हल्दी 1/2 टीस्पून है। चलें जी, 1/2 कप ऑयल ले लिया और प्याज को हमने इसमें शामिल कर लिया और इसको हमने ट्रांसल्यूसेंट करना है। जी प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है, इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया हमने। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम अपने ये आलू इसमें शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद हल्दी शामिल करने के बाद हरी मिर्चें और इसको तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट हम इसको और हाई फ्लेम हमने आलूओं को कुक कर लेना है। चलें जी, आलू को थोड़ा सा भून लिया, साथ में अदरक लहसुन शामिल हो गया हमारा। अदरक लहसुन को फॉर अबाउट 1 मिनट आपने क्या करना है, कुछ सेकंड के लिए आपने इसको, क्योंकि फ्लेम हाई है, उसमें अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद आपने शामिल करना है टमाटो प्यूरी शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, अपने तमाम स्पाइसेस को शामिल कर देना है। तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल हो गए, इसको अच्छा सा भूनते हैं और अगर इसको अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारे आलू थोड़े से गल जाए। चले जी, ये देख सकते हैं मसाला भून चुका है और अब इसके अंदर हम अपना सोया मेथी शामिल करने लगे हैं। ये हमारी आ गई सोया मेथी। अच्छा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो टमाटो प्योरी डाली थी उसमें ऑलरेडी पानी था, तो इसी में ये गल जाएगा और पक जाएगा। तो ये ज़बरदस्त हमारा सोया मेथी खुशबूदार सा रेडी हो रहा है, तो बस अब इसको हमने स्टिर करना है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जो हमने सोया मेथी वॉश किया था उसका पानी भी है, टमाटरों का पानी भी है, तो ये सारा पानी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसी में ये सोया मेथी गल जाएगी और आलू भी कुक हो जाएंगे। यानी अगर आपको लगता है कि आलू आपके थोड़े से बड़े हैं तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस ऑन अ लो फ्लेम अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कुक करना है। इसको करते हैं कवर और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। चलें जी, ये थी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।